हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस और ये इस सीरीज का पार्ट फोर है जो पिछले तीन पार्ट्स हैं उनमें हम लगभग 140 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की आज जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहने वाला है वो रिलेटिवली कम्पेरिजन टू द फर्स्ट थ्री पार्ट्स तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है लेट स्टार्ट विद एन इजी क्वेश्चन द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइन्ड इन इट्स भारत के संविधान में वेलफेयर स्टेट का आइडिया कौन से प्रोविजन में देखने को मिलता है ए प्रीएम्बल में बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सी फंडामेंटल राइट्स में या डी 7th schedule. Mein. Iska right answer hai? Option B. Directive principles of state policy. The ideal of welfare state in the Indian constitution is enshrined in its directive principles of state policy. Second question. Who describe prime minister as primus inter pares or first among the equals and keystone of the cabinet arc? इनमें से किसने प्रधानमंत्री को फर्स्ट अमंग द इक्वल्स या कैबिनेट का कीस्टोन यानी कि कैबिनेट का एक कोर बताया है ऑप्शन हैं ए हर्बर्ट मैरिसन बी सर विलियम वर्नर हेरकॉट सी एच जे लॉस्की और डी लॉर्ड मॉर्ले एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लॉर्ड मॉर्ले डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज द फर्स्ट अमंग कई बार क्वेश्चन में सिर्फ प्राइमर्स इंटरपेरिस भी पूछ लिया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसका मतलब भी यही होता है फर्स्ट अमंग द्वेश्चन थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर दूनियन लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है ए रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन mines एंड ऑयल fields, बी एग्रीकल्चर सी फिशरीज और डी पब्लिक हेल्थ इस क्वेश्चन को यहां मेरा पूछने का पर्पस यही था कि आप सभी लिस्ट को अच्छे से लर्न कीजिए कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता है ये आपको पता होना चाहिए तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन mines एंड ऑयल fields। यूनियन लिस्ट क्वेश्चन नंबर फोर लोक अदालत है लोक अदालत को किसके अंडर क्रिएट किया गया है ऑप्शन ए है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट सी है ऑर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट या डी है लीगल कंसीलिएशन एक्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट और इस एक्ट के तहत लोक अदालत द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उनकी वही मान्यता होती है जो एक सिविल कोर्ट की होती है और ये सभी पार्टीज पर बाइंडिंग होते हैं क्वेश्चन फाइव विच आर्टिकल कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मिजोरम की स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन को मैंशन करता है ए आर्टिकल थ्री सेवन वन ई बी आर्टिकल थ्री सेवन वन एफ सी आर्टिकल थ्री सेवन वन जी और डी आर्टिकल थ्री सेवन टू एच द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल थ्री सेवन वन जी दिस आर्टिकल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक तो जो मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें कम से कम चालीस मेंबर्स होने चाहिए दूसरा ये कि कुछ सर्टन मैटर्स पर पार्लियामेंट के एक्ट्स मिजोरम की स्टेट पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली उन एक्ट्स को खुद मंजूरी नहीं दे देती है क्वेश्चन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन सेंटर स्टेट्स के बीच में जो पावर्स का या शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में वो इनमें से कौन सी स्कीम पर बेस्ड है ए मिंटो रिफॉर्म्स पर ये बेस्ड है जो कि 1909 के थे या ये मॉन्टे क्लेम्सवर्ड एक्ट पर बेस्ड है जो कि 1919 का था सी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है या ये डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पर बेस्ड है आसान सा सवाल है ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्वेश्चन सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैचड इनमें से क्या सही से मैच्ड है चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे हमें बताने कौन कौन से सही से मैच्ड हैं तो पहला है जॉजफ एंडशन इक्वालिटी यानी कि एक तरफ राइटर्स हैं दूसरी तरफ उनका वर्क है दूसरा ऑप्शन है हेयर और उनका वर्क है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी सी है बोसान के उनका वर्क है रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नमेंट फोर्थ है बार्कर और उनका वर्क है द फिलोसोफिकल थियोरी ऑफ द स्टेट तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें बताना है कौन कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है नीचे ऑप्शन है वन थ्री फोर सही है थ्री एंड फोर सही है एंड थ्री सही है या वन एंड टू सही है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी वन एंड टू इक्वालिटी बाय जोसफ एंडशन इज करेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बाय हेक इज करेक्ट बट ये जो नीचे के दोनों ऑप्शन है. है ये इनकरेक्ट है रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नमेंट किसका वर्क है ये एक्चुअली बारकर का वर्क है और जो फिलोसोफिकल थियोरी ऑफ द स्टेट है ये किसका वर्क है ये बुसानके का वर्क है तो इसलिए जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है क्वेश्चन नंबर एट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ मैचअप हमें इनमें मैच करना है एक तरफ दिया गया है राइटर्स का नाम दूसरी तरफ उनकी वर्क का नाम तो एक तरफ है आर जे बर्नस्टीन एम सैंडल एम वॉल्सर विमिका और दूसरी तरफ है वर्क्स लाइक ऑफ जस्टिस द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी contemporary political philosophy एंड लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस वैसे मैंने इसी एमसीक्यू सीरीज की एक वीडियो में क्या बताया था विल का के वर्क के बारे में मेंशन किया था और क्या बताया था कि विल किमले का एक इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन सा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी तो डी तो सीधा यहाँ थर्ड ऑप्शन से मैच हो जाता है वही बर्नस्टीन का वर्क है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल थियोरी सैंडल का भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है वो है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस वहीं का वर्क है द ऑफ जस्टिस ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है यूजीसी के परस्पेक्टिव से किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस वर्क को पूछ लिया जाता है कि स्वेज ऑफ जस्टिस किसका वर्क है तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा बना ऑप्शन सी टू फोर वन थ्री विच इज द राइट आंसर Question number 9. The author of the famous book Nuclear Weapons and Foreign Policy is Nuclear Weapons and Foreign Policy in which author is famous work? Hai. Option A. Gerald Ford. Option B. Henry Kissinger. Option C. Ronald Reagan. Your option D. None of these. So the right answer is Option B. Henry Kissinger. Question number 10. सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं बताना इनमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है ए एन अग्रीमेंट अमंगइजेज फॉर द गुड ऑफ देम ऑल ये लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसमें कुछ इंटरेस्ट को शेयर करेंगे और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे जो कि सभी के भले में होते हैं बी ये एक अग्रीमेंट है ऐसे सेल्फलेस और अनसेल्फिश लोगों के बीच में जो ये कहता है कि वो किसी भी प्रकार का थेफ्ट या मर्डर नहीं करेंगे सी इट्स अ चॉइस टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये कॉन्ट्रैक्टेड चॉइस है पब्लिक इंटरेस्ट को या जनहित को सर्व करने की डी इट्स द ओनली पॉपुलर पॉलिटिकल थियोरी ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलर पॉलिटिकल थियोरी है

जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके सपोर्टर्स हैं। ऑप्शन ए है आलमंड एंड कोलमन, ऑप्शन बी है ईस्टर्न एंड ऑप्शन सी है डुवर्जर एंड सटोरी और ऑप्शन डी है लियोस्टॉस एंड डाइसी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डुवर्जर एंड सटोरी दे आर द द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ये अप्रोच किस पर फोकस करती है ये फोकस करती है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन द नेचुरल लॉ परस्पेक्टिव ऑन इंटरनेशनल लॉ इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच इंटरनेशनल रिलेशन थियोरी इंटरनेशनल लॉ पे जो एक नेचुरल लॉ परस्पेक्टिव है वो कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन की थियोरी से एसोसिएटेड है ए रियलिज्म बी लिबरलिज्म सी मार्क्सिज्म या डी क्रिटिकल थ्योरी इसका राइट आंसर है बी लिबरलिज्म देखिए नेचुरल लॉ जो होते हैं वो एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं ये यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं सो दैट्स द रीजन दे विल बी एसोसिएटेड विद विच आई आर थ्योरी लिबरलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अप बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कैसे सेट अप किया गया था ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द्वारा बी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा सी संथनाम कमेटी के रेजोल्यूशन द्वारा या डी एक एक्जिक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी एक्जिक्यूटिव रेजोल्यूशन यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन द्वारा इसे सेट किया गया था और कब किया गया था ईयर 1964 में और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था ईयर 2003 में क्वेश्चन 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट यानी कि यहां हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट वन और ऑप्शन ए ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड में नॉमिनेटेड में सकते हैं ना कि लोकसभा में ऑप्शन बी देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग टू मेंस बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो मेंबर्स को नॉमिनेट करने का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन सी

जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो ना ही सिर्फ प्रेसिडेंशियल बल्कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी वोट कर सकते हैं तो इसमें से कौन सा सही है इसमें से सही है ऑप्शन सी देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर पहली स्टेटमेंट दैट ओनली राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स इज दोनों में ही नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बी देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग टू मेंबर्स Belonging to Anglo-Indian community to Rajya Sabha is wrong, because they are appointed in Lok Sabha, not the Rajya Sabha. And D, a nominated member can vote both in presidential and vice presidential elections, is also incorrect. So C is the right answer. Question 15: The authorization for withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फंड्स को विद्रॉ करने का जो ऑथराइजेशन है वो कहां से आता है कौन अथॉरिटी देता है फंड्स को विड्रॉ करने की ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सी द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये क्वेश्चंस आपको तब बहुत अच्छे से क्लियर होंगे अगर आपका बेस बहुत क्लियर है So, if you are finding these questions very easy, it's a good thing for you. That means that your base is very clear. Hai. The right answer is option D the Parliament of India. Parliament hi authority of hai Consolidated Fund of India. Mein se funds ko withdraw karne ki. Question 16 Who was the Chief Justice of India when PIL or the Public Interest Litigation was introduced to the Indian judicial system? जब भारत की जुडिशरी में पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे ए एम हिदायतुल्ला ऑप्शन बी ए एम अहमदी ऑप्शन सी ए एस आनंद या ऑप्शन डी पी एन भगवती द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जस्टिस पी एन भगवती ज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कब किया गया था इन द अर्ली 1980s और पहली पी कब फाइल की गई थी इन 1979 जो कि फर्स्ट रिपोर्टेड केस था ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्वेश्चन सेवनटीन द फ़ंक्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंक्लूड्स इनमें से क्या क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शन होते हैं अगेन चार स्टेटमेंट्स दी गई है उनमें से हमें बताने हैं कि क्या क्या एनडीसी के फंक्शन होते हैं वन टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन नाउ द नीति आयोग नीति आयोग द्वारा जो नेशनल प्लान फॉर्म किया जाता है उस पर ध्यान देना सेकेंड टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ स्टेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान स्टेट्स के कॉपोरेशन को सिक्योर करना ताकि प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके थ्री टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम प्लान का जो वर्किंग है उसको रिव्यू करना फोर टू कंसिडर द क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग डेवलपमेंट सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे सवालों पर ध्यान देना जो कि हमारे विकास को अफेक्ट करते हैं ऑप्शन ए है वन टू थ्री आर करेक्ट Option B 2 and 3 are correct. Option C 1, 3, 4 are correct. And option D 2 and 4 are correct. So, the first statement is absolutely true. It considers the national plans as formulated by the Planning Commission. 2. To secure the cooperation of states in the execution of the plan is completely wrong. It doesn't work to secure the cooperation of states. 3. Is absolutely true. It reviews the working of the plan from time to time. And 4 is also true. So, the right answer will be option C, 1, 3, and 4. Question number 18. Filibustering is associated with. In filibustering kis cheez se associated hai? A. Lawmaking se. B. Training se. C. Civil service se. Yadi. Election se. A very interesting question. इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए लॉ मेकिंग फिलीबस्टरिंग क्या होता है देखिए फिलीबस्टरिंग हम कहते हैं जब लंबे लंबे डिबेट्स किए जाते हैं और वो बेवजह के डिबेट्स होते हैं बेवजह की स्पीचेस होती हैं वाई ताकि किसी रेजोल्यूशन पे किसी बिल पर वोटिंग को टाला जा सके इसे हम कहते हैं फिलीबस्टरिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द राइट्स ऑफ लैंडलॉक लॉक आर गवर्न बाय जो लैंडलॉर्क स्टेट्स होती है उनके राइट इनमें से किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं ए द रूल्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बी द लॉ ऑफ सी सी बायचुअल कंसेंट या डी नन ऑफ दीस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी द राइट ऑफ द लैंड लॉक्स आर गवर्न इन अकॉर्डिंग टू दशन ऑन लॉ ऑफ दी

पॉलिटिकल प्रैक्टिस क्या होती है बल्कि यह भी दिखाना कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है और यह दिखाने में कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी यह चेंज भी कर सकती है कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस असल में होती क्या है यानी कि यह दिखाने के चक्कर में कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस असल में होती क्या है पॉलिटिकल थ्योरी इसे चेंज करके भी प्रस्तुत कर सकती है ऑप्शन ए है जीएच से ऑप्शन बी है लियोस्ट्रॉस ऑप्शन सी है माइकल ऑक्शॉट और ऑप्शन डी है इसाया बर्लिन और इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए जी एच सेबाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकमिंग एक्नोलिज न्यूक्लियर पावर्स इसमें बेसिकली हमें अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में कि कौन सा देश कब एक न्यूक्लियर पावर बना ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं अमेरिका का ब्रिटेन का सोवियत यूनियन का फ्रांस का और चाइना का तो देखिए अमेरिका जो है वो एक न्यूक्लियर पावर कब बनी इट बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इन 1945 फिर उसके बाद बना सोवियत यूनियन वो बना 1949 में फिर बना यूके जो कि बना 1952 में उसके बाद बना फ्रांस जो कि बना 1960 में और फिर बना चाइना जो कि बना 1964 में तो सही आंसर इसमें से क्या हुआ ऑप्शन डी अमेरिका सोवियत यूनियन फॉलोड बाय ब्रिटेन फ्रांस इन चाइना अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देर नाउ अगेन हमें इवेंट्स को अरेंज करना है जिस ऑर्डर में वो अकर हो पहली है बोल्शेविक रेवोल्यूशन फिर है ट्रीटी ऑफ वसाइल्स, फिर है नाजी जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक और फिर है लेनिन सोशलिज्म इन वन कंट्री बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था ईयर 1917 में उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई 1919 में या 1919 में फिर जो नाजी जर्मनी सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट है ये कब हुआ ये पैक्ट साइन हुआ था ईयर 1939 में और जो लेन सोशलिज्म इन वन कंट्री का कॉन्सेप्ट है ये था लगभग 1926 का तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ वन टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री है ऑप्शन बी में सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वन टू फोर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच अमंग रेफर टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इनमें से कौन से थिंकर्स डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी से, से, से रिलेटेड है वन डेविड ईस्टन एंड एल्फ्रेड कुबान सेकेंड लास्टलेट एंड रॉबर्ट डेल थर्ड विथनियल हॉथर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेविड ईस्टन एंड एल्फ्रेड कुबान एंड लास्टलेट एंड रॉबर्ट डेल ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ रॉबर्ट मिशेल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ऑलि था वो उन्होंने किस स्टडी की बेसिस पर फॉर्म किया था ए द स्टडी ऑफ जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बी द ब्रिटिश लेबर पार्टी द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएसए और डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन और इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी स्टडी के बेसिस पर उन्होंने अपना आय लॉ ऑफ ऑलिगॉ की फॉर्म किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्विस पोलिटिकल सिस्टम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्विस पोलिटिकल सिस्टम के बारे में करेक्ट है द सेंटर इन स्विट्जरलैंड इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द यूएसए स्विट्जरलैंड का जो सेंटर है दैट इज यूएसए के सेंटर से ज्यादा पावरफुल है टू सक्सेशन केस में या अलग होने के केस में स्विस गवर्नमेंट के पास राइट right है मिलिटेरिली इंटरवीन करने का थर्ड रेजिडरी पावर्स जो है वो यूनिट्स को बिलोंग करती हैं यानी कि जो प्रोविंसेस या स्टेट्स होती हैं उन इकाइयों को बिलोंग करती हैं फोर जो स्विस पॉलिटिकल सिस्टम है वो यूनिटरी है स्विस पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल ना होके यूनिटरी है तो इनमें से क्या क्या सही है वो हमें बताना है और गलत क्या क्या है वो हमें नहीं बताना है तो देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेंटर स्विट्जरलैंड का वाकई में पावरफुल है सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है स्विस गवर्नमेंट के पास राइट टू मिलिट्री इंटरवेंशन है थर्ड इज ऑल्सो ट्रू रेजिडरी पावर्स बिलोंग टू द यूनिट्स बट Fourth is absolutely wrong. Swiss political system unitary nahi hai. Swiss political system the federal hai. So the right answer is option C one, two and three. Next question Who among the following argued that realism is likely to remain the single most useful instrument in our intellectual toolbox? Ki realism बहुत ही यूजफुल टूल है हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड में तो ये किसने कहा है ऑप्शन ए है हॉलस्टी ऑप्शन बी है ई एच कार ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है स्टीफन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी स्टीफन वॉल्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मैच दीजनल दे बिलोंग टू हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को जिन रीजन को वो बिलोंग करते हैं उनसे मैच करना है सबसे पहले है ओ एस सी डब्ल्यू दूसरा है वी फोर तीसरा है पी D सी डी है NAFTA। वही रीजन है यूरोप यूरेशिया अटलांटिक और नॉर्थ अमेरिका तो ओ एस सी डब्ल्यू जो है इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोटलांटिक वी फोर इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप BSEC is the regional organization of Eurasia, whereas NAFTA is the regional organization of North America. So the correct answer is option A. A three B one C two D four. The book India's development experience is authored by India's development experience book. Kinhu ne author kari hai. मनमोहन सिंह बी अतुल कोहली रामचंद्र गुहा डी तरलोको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मॉडर्न स्टेट सिस्टम टेरिटोरियलिटी केम इन टू एक्सिस्टेंस फर्स्ट इन यूरोप इन दफ द जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है वो पहली बार एग्जिस्टेंस में कब आया इन यूरोप ए आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सायस बी आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियाना सी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफ़ेलिया और ऑप्शन डी आफ्टर द कांग्रेस ऑफ बर्लिन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ वेस्टफ़ेलिया। उसी के बाद मॉडर्न स्टेट सिस्टम विद इट्स एम्फोसिस ऑन टेरिटोरियलिटी केम इनटू एक्सिस्टेंस और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी अक्टूबर 1648 में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट एट दैट ऑल स्टेट्स हैव अ ग्रैंड स्ट्रेटजी वेदर दे नो इट और नॉट ये किसने कहा है कि सभी स्टेट्स के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो आपके ऑप्शंस हैं ए एंड्रू मार्शल बी लाइडल हार्ट ऑप्शन सी बर्नार्ड ब्रॉडी

थ्री सॉफ्ट पावर इज द सेकेंड फेस ऑफ पावर या पावर की दूसरी फॉर्म है फोर इट्स अ फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म ये आइडियलिज्म की भी एक फॉर्म है तो इनमें से कौन कौन सी फैक्टर्स या स्टेटमेंट सॉफ्ट पावर के बारे में सही है तो so देखिए पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट एक्टर्स दूसरी भी बिल्कुल सही है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा भी यूज की जाती है थर्ड भी बिल्कुल सही है सॉफ्ट पावर इज द सेकंड फेस ऑफ पावर बट फोर्थ स्टेटमेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म ये गलत है सॉफ्ट पार नियो लिबरलिज्म का एक पार्ट है और ये किसके द्वारा दिया गया था जोसेफ ने द्वारा तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी स्टेटमेंट वन टू थ्री आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पिक द ऑड पेयर आउट इसमें से हमें जो ऑड पेयर है उसको सिलेक्ट करना है पहला ऑप्शन है रियलिज्म एंड स्टेट्स दूसरा ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑप्शन सी है डिपेंडेंसी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ऑप्शन डी है फेमिनिज्म एंड जेंडर तो इसमें से पेर आपको कौन सा लग रहा है यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि रियलिज्म का मेन कंसर्न क्या होता है इट इज कंसर्न विद द स्टेट तो दूसरी जो है ग्लोबलाइजेशन यहाँ स्टेटमेंट की कह रही है कि ग्लोबलाइजेशन का मेन कंसर्न है नॉन स्टेट एक्टर्स तीसरा है कि जो डिपेंडेंसी थियरी है उसका मेन कंसर्न है इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो डील करती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से और डी जो है फेमिनिज्म दैट इज कंसर्न विद द जेंडर तो आपको इसमें से बताना ऑड पेयर कौन सा है देखिए इसमें ऑड पेयर है ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर्स ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स से डील नहीं करती है रियलिज्म स्टेट से डील करता है डिपेंडेंसी जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से डील करता है फेमिनिज्म जो है वो जेंडर से डील करता है लेकिन ग्लोबलाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर से डील नहीं करता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो स्टेट एक्टर से भी डील करता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचअप्स की फॉर्म में है एक तरफ रेवोल्यूशन बताई गई हैं और दूसरी तरफ जो कंट्रीज जहां पर वो हुए हैं वो बताया गया है तो हमें ये बताना है कि कौन सी रेवोल्यूशन जो है वो कौन से देश में हुई सबसे पहली आती है ट्यूलिप रेवोल्यूशन देखिए ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहाँ हुई Tulip Revolution is related with Kyrgyzstan. Wahi orange Revolution is related with Ukraine. Rose Revolution, which is related with Georgia, and October Revolution, jo hai, that is related with Russia. So, the right answer will be option B 4 1 2 3. Question number 34 Which one of the following is a major assumption of balance of power? इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पावर का एक इम्पॉर्टेंट है आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से बतानी है कौन कौन सी करेक्ट है वन स्टेट्स स्टेट्स आर टू प्रोटेक्ट देयर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को अपने राष्ट्र हित या नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते हैं सेकेंड वाइटल नेशनल इंटरेस्ट में भी थ्रेटन स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो थ्रेटेड हो सकते हैं थ्री रिलेटिव पावर पोजिशन ऑफ द स्टेट्स कैन बी मेजर्ड स्टेट्स की पावर को हम रिलेटिवली या रफली मेजर कर सकते हैं और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट किस पोजीशन पे स्टैंड करती है आकलन करने के लिए मॉरल पैरामीटर्स को अप्लाई करती है यानी कि मूल्यों का प्रयोग करती है दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को जानने के लिए उनका आंकलन करने के लिए देखिए पहला बिल्कुल सही है दूसरा भी बिल्कुल सही है तीसरी एग्जाम्शन भी बिल्कुल सही है कि रिलेटिवली पावर को मेजर किया जा सकता है रफली एग्जैक्ट पावर तो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री के पास किस स्टेट के पास कितनी पावर है बट रिलेटिवली हम एक आइडिया लगा सकते हैं लेकिन चौथा की स्टेज सप्लाई मॉरल पैरामीटर्स फॉर असेसिंग अदर्स बिहेवियर ये बिल्कुल गलत है स्टेट्स कोई मूल्यों का प्रयोग नहीं करती तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैचअप एक तरफ ऑथर्स दिए गए हैं दूसरी तरफ उनकी बुक्स बताई गई हैं पहले ऑथर है ई e. हॉब्सबॉन दूसरे हैं डेनियल बेल तीसरे हैं जे रेबन हिल और चौथे हैं एन वुड्स और दूसरी तरफ जो बुक्स दी गई हैं वो है एथिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स

जे रेबेन हिल की बुक है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वही एन वुड्स की बुक है द ग्लोबलाइजर्स द आई एम एफ बैंक एंड बोरोअर्स तो सही आंसर कौन सा हुआ थ्री वन फोर टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर मेड इज रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइबर वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में मेड की फुल फॉर्म क्या होती है एम की फुल फॉर्म क्या होती है मेंटेनेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस म्यूचुअली अश्योर्ड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन म्यूचुअली एक्वायर्ड इंटेलिजेंस डिवाइसेस या म्यूचुअली एंटिसिपेटेड इंटेलिजेंस डिस्ट्रक्शन और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेड का फुल फॉर्म होता है म्यूचुअली अश्योर्ड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन वॉट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कैटेगरीज ऑफ पोलिटिकल सिस्टम नाउ एडवर्ड ने जो कैटेगरीज बताई है, है उसका हमें सही सीक्वेंस अरेन्ज करना है उसे हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है तो देखिये ये भी कितना इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट इज पोलिटिकल डेमोक्रेसी सेकेंड इज ट्यूटलरी डेमोक्रेसी थर्ड इज मॉडर्नाइजिंग ओलिगा

ये प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए वन टू थ्री फोर फाइव पीटीएम टीटी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एरेस्टोटल द स्टेट इज एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट क्या है ए इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ मैन ये मैन की सेल्फिशनेस का प्रोडक्ट है बी ये एक कन्वीनियंस है सी ये नेचर में ऑर्गेनिक है डी ये नेचर में इनऑर्गेनिक है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इट्स ऑर्गेनिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो स्टेट है वो नेचर में ऑर्गेनिक है यानी कि जो स्टेट्स है वो नेचुरल है वो किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट नहीं है और स्टेट एक इंडिविजुअल की तरह है जैसे एक इंडिविजुअल की बॉडी होती है उसके ऑर्गन्स होते हैं इसी प्रकार स्टेट जो है वो बॉडी है और इंडिविजुअल्स उसके ऑर्गन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्लेटोज कम्युनिज्म प्लेटो के कम्युनिज्म के अनुसार ए ओनली द अपर क्लास कैन हैव प्रॉपर्टी सिर्फ अपर क्लास के पास ही प्रॉपर्टी हो सकती है बी सिर्फ लोअर क्लास के पास प्रॉपर्टी हो सकती है सी दोनों अपर क्लास और लोअर क्लास के पास प्रॉपर्टी हो सकती है या डी ना ही अपर क्लास और ना ही लोअर क्लास के पास प्रॉपर्टी हो सकती है यानी कि किसी की भी क्लास के पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है तो इसमें से क्या सही है

एरिस्टोटल के स्कूल ऑफ लर्निंग अकेडमी का नाम लाइसियम था एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग उसके मेंबर्स को क्या कहा जाता था ए रैशनलिस्ट बी सी सिनिक्स या डी पेरीपैटेटिक्स इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी पेरेपेटेटिक्स बाद में चलकर लाइसियम में ही एक पेरापेटेटिक्स स्कूल भी स्टेब्लिश हुआ तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो